हाय गाइस, मैं आपका प्रीत। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बिजनेस ईमेल होता है जो हम सी पैनल में कैसे बना सकते हैं सिंपल तरीके से, और हम शुरू से ये ट्यूटोरियल चलाएंगे जहां से हम एड ऑन डोमेन कैसे लगाना है, उसके बाद उसका ईमेल कैसे बनाना है। स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए, और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले डोमेन ऐड करेंगे। सबसे पहले डोमेन, एक तो डोमेन होता है हमारा मेन प्राइमरी डोमेन, जब हम होस्टिंग लेते हैं तब वो लिंक होता है, ठीक है। उसके बाद ऐड ऑन डोमेन ऑप्शन होती है, जब हम होस्टिंग लेते हैं वहाँ पे ऑप्शन होती है कि आप अनलिमिटेड जो डोमेन हो वो ऐड ऑन कर सकते हो अपनी होस्टिंग में। ऑलमोस्ट सारे शेयर्ड होस्टिंग में ये ऑप्शन प्रोवाइड की जाती है। आपने सी पैनल ओपन करना है, लॉगिन करना है, आपने अपना ईमेल देखना है जहाँ से आपने होस्टिंग ली है, वो ईमेल में आपका सी पैनल का लिंक देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ऐड ऑन डोमेन पे क्लिक करना है। ऐड ऑन डोमेन पे क्लिक करने के बाद आपका जो डोमेन है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक डोमेन है askup.tech, ये डोमेन डालना है बिना किसी HTTPS से, ऐसे डालना है आपने, जैसे कि फेसबुक कोई भी हो सकता है। हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि seotool.online, glancing.online, आपका कोई भी डोमेन है बिना किसी www और HTTPS से यहाँ पे डालना है। ये सब डोमेन अपने आप ले लेगा यहाँ पे, ठीक है। उसका जो डॉक्यूमेंट रूट है, यहाँ पे हमारी फाइल्स होती हैं, वो अपने आप क्रिएट कर देगा। उसके बाद आपने ऐड डोमेन कर देना है, सिंपल सा तरीका है। ऐड डोमेन करने के बाद ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ऐड ऑन डोमेन पे, ठीक है। उसके बाद हमने ईमेल कैसे बनाना है बिजनेस, उसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन होती है सी पैनल में ईमेल अकाउंट्स की। ईमेल अकाउंट्स की ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं। ईमेल अकाउंट की लिस्ट में क्लिक करने के बाद जेकर आपकी होस्टिंग नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई ईमेल नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे ऑप्शन होगी यहाँ पे क्रिएट की, आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो वहाँ पे ऐड किया था अपना डोमेन, यहाँ से अपना डोमेन सेलेक्ट करना है। उसके बाद डोमेन सेलेक्ट करने के बाद डोमेन जो होता है कि आप ईमेल कौन से डोमेन पे बनाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन होती है यूज़र नेम की। यूज़र नेम होता है, जैसे आपने काफ़ी कंपनीज में देखा होगा जो ईमेल होता है वो होता है support@askup.tech, support info@help, ऐसे डोमेन होते हैं ना जो कंपनीज के होते हैं, जो बिजनेस डोमेन्स होते हैं उनका जो पहले वाला होता है, जैसे सपोर्ट हो गया, जैसे हेल्प हो गया, वो यूज़र नेम कहलाता है पहले वाला। मैं आपको एक एग्जांपल देके यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, बैक जाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये मेरा जो ईमेल है वो है एडमिन, एडमिन यहाँ पे यूज़र नेम है मेरा। जैसे कि नीचे जाता हूँ और भी दिखा देता हूँ, ये है नीचे एक info@leronta.online, ये है इन्फो, हमारा यूज़र नेम है, मैंने वहाँ पे इन्फो डाला था यूज़र नेम की जगह पे, ठीक है। दोबारा चलते हैं, पहले डोमेन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यूज़र नेम, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ हेल्प, हमारा उसके बाद जो ईमेल होगा वो होगा help@askup.tech, हेल्प के बाद एट, उसके बाद आपका डोमेन ऐसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड चूज कर लेना है जो आपको ठीक लगे, ठीक है। पासवर्ड चूज करने के बाद कुछ नहीं करना, आपने सिंपल क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक करते ही मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, लाइव आपको दिखा देता हूँ। पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना। ये देखिए क्रिएटिंग ईमेल अकाउंट, ये देखिए सक्सेस, ईमेल अकाउंट क्रिएटेड, ऐसे आपने अपना बिजनेस ईमेल क्रिएट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा से यहाँ पे आना है अपने ईमेल ऑप्शन में सी पैनल में, उसके बाद ईमेल अकाउंट्स में, वो जो हमने ईमेल अकाउंट बनाया था वो वहाँ पे अभी दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। आपने इधर साइड पे आना है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है चेक ईमेल, चेक ईमेल पे क्लिक करने के बाद
कुछ ऐसा ये वेब मेल लॉगिन आपको दिखाएगा ईमेल लॉगिन करने के लिए, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, इस काम को इजी करने के लिए आप इसको अपना जो माइक्रोसॉफ्ट ईमेल है उसके साथ भी लिंक कर सकते हो, गूगल के साथ भी लिंक कर सकते हो। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि गूगल के साथ कैसे बिजनेस ईमेल बनाना है फ्री में, ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पे यही आप यूज़ करो, ओपन पे क्लिक करना है, ओपन योर मेल बॉक्स राउंड अकाउंट यहाँ पे ओपन कर देना है, ये आपका जो ईमेल बनाया था उसका इनबॉक्स में चला गया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ऊपर हमारा आ गया जो हमने इन्फो रखा था, info@lironta.com, ठीक है, यह हमारा ईमेल है। अब हमारा ईमेल रेडी हो चुका है, ये ईमेल को क्लिक करके कॉपी करके आप अपने फ्रेंड के साथ अपनी वेबसाइट पे ये दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद या आपको कोई भी इस पे ईमेल करेगा तो आपके यहाँ पे इनबॉक्स में आ जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, सी पैनल में जाना है, दोबारा से बता देता हूँ, ईमेल अकाउंट्स में जाना है, अपना जो ईमेल चेक करना चाहते हो वो आपने यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद चेक ईमेल साइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने आप ये लॉगिन हो जाता है वेब मेल में। वेब मेल में लॉगिन होने के बाद ये ऑप्शन आती है ओपन की, आप चेंज भी कर सकते हो, चेंज योर वेब मेल क्लाइंट फॉर दे भी आप यूज़ कर सकते हो, सारे फ्री हैं, ठीक है। ऐसे आपने ईमेल अपना बना लेना है जो कि बहुत ही सिंपल है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ताजो आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।